हेलो दोस्तों, हम लोग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और क्यों कवर करने वाले हैं वो भी मैं पहले आपको बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, जहां पर उनको अपग्रेड किया गया है। जो रेटिंग रिपोर्ट आई है AA+ की आई है। और ये जो रेटिंग है किसने दिया हुआ है, फिच की कंपनी है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसकी मैं ChatGPT में थोड़ी देर के बाद एनालिसिस भी करने वाला हूं। तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है, उनको अगर मार्केट से फॉर एग्जांपल पैसे रेज करने हैं, तो रेटिंग एजेंसी को लगता है कि कंफर्ट और ज़्यादा है। ठीक है, सपोज अगर उनकी रेटिंग सी होती या डी होती या फिर बी होती, तो उसका क्या मतलब था कि जो डिफॉल्ट करने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर रेटिंग AAA हो तो बेस्ट रेटिंग कही जाती है। अभी यहां पर उनकी जो रेटिंग आई है, क्या AA+ की रेटिंग यहां पर आई है कुछ कुछ जगह में, तो उसका क्या मतलब है कि डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी तो अब दूर की बात है। कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी और मजबूत है। इनफैक्ट अगर उनको बाहर से पैसे रेज करने हैं तो कम इंटरेस्ट रेट में भी वो रेज कर सकते हैं। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये होम फाइनेंस की कंपनी है। अगर आपको घर खरीदना है, लोन आपको चाहिए, हाउसिंग लोन या अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के पास है। बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उस पर बहुत ज्यादा डील नहीं करते। उनका कहाँ कॉन्सेंट्रेशन या फोकस है, किसी को अगर घर चाहिए वहां पर उनका फोकस है। क्या नंबर्स हैं, तो देखिए जब हम डिसबर्समेंट की बात करेंगे कि कैसा उन्होंने डिसबर्समेंट किया है अप्रैल टू सितंबर 2023 में, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11% ज्यादा किया है, 7,866 करोड़। और टोटल लोन बुक आप देखेंगे, जितने भी लोन्स उन्होंने दिया हुआ है सबको अगर आप देख लेंगे, 60,852 करोड़ की लोन है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5.2% है। ठीक है, अब एनपीए, किसी भी बैंक एनबीएफसी में एनपीए देखिए, क्योंकि एनपीए से क्या पता चलता है कि जो भी लोन है उसका पैसा जो नहीं आ रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा एनपीए होगा तो बिल्कुल चिंता की बात है। तो यहां पर पहला ग्रॉस एनपीए का नंबर 1.78% है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर के समय में 6.06% था। और नेट एनपीए, अब होता क्या है, ग्रॉस एनपीए में से जो भी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होती हैं, एनबीएफसी होती है, कुछ प्रोविजन करके रखती है, मतलब अपना पैसा कुछ साइड करके रख देती है। अब उसमें से जब वो माइनस करते हैं तो नेट एनपीए आता है, तो 1.19% है, जो कि 3.59% था। तो ये एनपीए जितना गिरता रहे उतना ज्यादा पॉजिटिव होता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे, और ये स्ट्रेटेजी मैं खासकर देख रहा हूं 2019 के बाद से। बहुत सारी बैंक्स में हमको टर्न अराउंड देखने को मिला है, बहुत सारी एनबीएफसीज में भी। और वो क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा टर्न है, वो है कि वो रिटेल में फोकस कर रहे हैं। आप कहेंगे रिटेल क्या होता है, तो देखिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी दो तरीके की आप मान सकते हैं लोन देते हैं, एक होता है रिटेल, एक होता है कॉर्पोरेट या होलसेल लोन। अब कॉर्पोरेट या होलसेल लोन में क्या हो गया कि सोच लीजिए कोई एक बड़े बिजनेसमैन आए, उन्होंने कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री डालनी है, मुझे 200 करोड़ रुपए दीजिए, या कोई बिजनेसमैन आए उन्होंने कहा कि मुझे रोड बनाना है, मुझे 500 करोड़ चाहिए, वो हो गया कॉर्पोरेट लोन। अगर हाउसिंग फाइनेंस में होगा तो कैसा होगा कि कोई बहुत बड़े डेवलपर आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस लैंड को डेवलप करना है, मुझे 200 करोड़ की लोन चाहिए, तो वो होलसेल हो गया। अब रिटेल मतलब क्या, आप हो गए, आपका परिवार, मैं हो गया, हम हो गए, हम इंडिविजुअल, अगर हमको एक लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक घर खरीदना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो मैं क्या हो गया, किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए, उनके लिए मैं रिटेल कस्टमर हो गया। अब होता क्या है, यहां पर रिस्क कहां है कहां नहीं है, जनरली अब एनबीएफसीज या बैंक्स क्या देखती है कि फॉर एग्जांपल कोई एक रिटेल किसी भी पर्सन को हमने लेट से 50 लाख का लोन दिया, ओके अब 50 लाख का लोन है तो ओवरऑल बुक में ठीक है, कल कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो कंपनी को उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, ओके अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन को आपने 500 करोड़ का लोन दे दिया, आपकी जो कंपनी है उसकी टोटल बुक साइज ही है सोच लीजिए 50,000 करोड़ की, ठीक है, अब उसका मतलब 1% आपने लोन उसको दे के रखा हुआ है, कल कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर बैंक की बैलेंस शीट पर जो एनपीएस हैं इन पर बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए रिटेल में आप बहुत सारे लोन दे सकते हैं, और जो रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, बट रिस्क जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर भी हम वही देख रहे हैं कि रिटेल लोन बुक में उनका फोकस है। मार्च 2022 में 50,000 करोड़ था, अभी 58,471 करोड़ है। कॉर्पोरेट लोन बुक 9.9% थी, मतलब सपोज 100 रुपए की लोन थी तो उसमें से लगभग 10 रुपीज की लोन कॉर्पोरेट थी, अभी आप देखेंगे ये कितना हो गया है 3.9%, मतलब अपनी बुक्स को वो नीचे कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। अब इसी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मैं यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आपके सामने एनालिसिस करूंगा। ये देखिए, ये पूरा क्रेडिट रेटिंग, लेकिन ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 8 पेज की है, तो मुझे अगर आपको सिंपल में समझाना हो तो ChatGPT में आराम से एक समरी बन गई है। क्या वो बोल रहे हैं, 96% लोन जो है रिटेल को है, जो हमने अभी डिस्कस किया।
67,000 करोड़ से ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एसेट क्वालिटी मतलब जो एनपीएस है वो कम हुए हैं, वही वो बोल रहे हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि रिकवरी हुई है और कुछ एनपीए को उन्होंने सेल कर दिया है। इक्विटी इन्फ्यूजन, अभी कुछ समय पहले उन्होंने जो है थोड़ा इक्विटी भी रेज किया हुआ था, तो कुछ पैसे भी उनके पास आए हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग जो कि 25 लाख से कम का है, वहां पर भी वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा स्टेज में है अभी फिलहाल। कॉर्पोरेट बुक अभी बहुत कम है, हमने देखा ना 3-4% ही रह गया है, वो वहां पर अभी वो फोकस बहुत नहीं कर रहे हैं। कैपिटल उनके पास है, नेटवर्थ लगभग 14,000 करोड़ का नेटवर्थ है। क्रेडिट कॉस्ट का अगर आप देखेंगे, क्रेडिट कॉस्ट मतलब सोच लीजिए किसी भी बैंक या कंपनी, कोई भी लोन खराब हो जाती है तो उनका क्या कॉस्ट होता है, ऐसा मान के चलिए थंब रूल के हिसाब से जितना कम हो उतना अच्छा। तो जैसे यहाँ मॉडेस्ट लिखा है, मॉडेस्ट मतलब ठीक ठाक या कम, अगर कहेंगे क्रेडिट कॉस्ट मेरा बढ़ सकता है तो चिंता की बात है। ओके, फिर डाइवर्सिफाइड रिसोर्स प्रोफाइल, बहुत जगह से उनको फंडिंग मिल सकती है और इसीलिए अगर रेटिंग अपग्रेड हो तो फिर और ज्यादा फंडिंग मिल सकती है, कम इंटरेस्ट रेट में फंडिंग मिल सकती है। लिक्विडिटी मजबूत है, मतलब कंपनी के पास मतलब पैसा है कि कल कुछ भी छोटे मोटे शॉक आ गए या फिर किसी को भी ऑब्लिगेशन में पैसा देना हो तो वो चिंता नहीं है। और अभी फिलहाल लो टिकट मॉर्गेज पर उनका फोकस है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्रेडिट की जो है रिपोर्ट की उन्होंने दिया हुआ है। पी रेशियो हम देखेंगे नहीं, हम यहां पर प्राइस टू बुक देखेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से 1.5 के आसपास में है, ठीक है। अब हिस्टोरिकली क्या प्राइस टू बुक उनका रहा है, मैं चलिए 10 ईयर का डेटा ले लेता हूं, तो 10 ईयर का हिसाब से 1.4 है, लेकिन 2018, 19, 20 थोड़ा टफ साल रहा था पीएनबी हाउसिंग में, तो 5 ईयर का मैं डेटा लूंगा तो 1.1 के हिसाब से है। अब रेटिंग अपग्रेड हुई है तो क्या मार्केट अब उनको एक बड़ा प्राइस टू बुक देगा या नहीं देगा, वो फिर मार्केट के ऊपर है। अभी सिर्फ ये एक डेटा पॉइंट हमको मिला है कि उनका क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है, ठीक है। अब इसका कोई भी लिंक नहीं है कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हमारा चूंकि फंडामेंटल्स पर और उनकी लर्निंग पर फोकस रहता है, तो फंडामेंटली एक पॉइंट थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, बस उतना ही आपको यहां पर मान सकते हैं। एनपीएस उनके कम हुए हैं जो हम देख पा रहे हैं, हमने डिस्कस भी किया, रिटेल में भी एनपीए कम है और कॉर्पोरेट में भी धीरे धीरे एनपीए कम हो रहे हैं। कितना रेवेन्यू उन्होंने किया था आप देख सकते हैं यहां पर, 1777 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था क्वार्टर टू में, और प्रॉफिट कितना किया था आप देख सकते हैं, 383 करोड़ का जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है उन्होंने प्रॉफिट किया था। अब क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आएंगे, अभी तक डेट साइन नहीं है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं बिल्कुल शुरुआत 2024 की मैं बना रहा हूं, तो 269 करोड़ था, अभी कितना ये बढ़ेगा वो हमको आने वाले जो है जनवरी एंड या फरवरी जब भी रिजल्ट आएंगे हमको तब पता चलेगा दोस्तों। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस उनका क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है। हम वैसे ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, सेक्टर एनालिसिस हम करते रहते हैं। सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आप अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।